हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति है, इंग्लिश की स्टोरी। फर्स्ट लाइन है, वंस देयर वाज एन ओल्ड फार्मर इन ए विलेज। एक बार एक गांव में एक बूढ़ा किसान था। ही हैड फोर सन्स, उसके चार बेटे थे। थर्ड है, दे ऑलवेज क्वारल विद वन अनदर। उनके जो बेटे थे वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था। एंड थॉट ऑफ ए प्लान, और उसने एक प्लान सोचा। One day, एक दिन, he brought a bundle of sticks, वह एक लकड़ियों का बंडल लेके आया। He asked his sons, उसने अपने बेटों से पूछा, to break it, उन्हें तोड़ने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। Each boy tried to break it, हर लड़के ने उसे तोड़ने की कोशिश की। But no one could break it, लेकिन उनमें से कोई उसे तोड़ नहीं पाया। Now, अब the farmer untied the bundle, अब उस किसान ने उस बंडल को खोल दिया। He asked them, अब उसने उनसे पूछा, टू ब्रेक, तोड़ने के लिए, द स्टिक्स वन बाय वन, उन डंडियों को एक एक करके तोड़ने के लिए। एवरी सन, हर बेटे ने ब्रोक इट, तोड़ दिया, वेरी इजीली, बहुत आसानी से। नाउ द फार्मर सेड, अब किसान ने कहा, इफ यू लिव, अगर तुम जियोगे यूनाइटेड लाइक स्टिक्स, जो डंडियां हैं उनकी तरह अगर मजबूत और एक रहकर अगर जियोगे, यू विल बी स्ट्रॉन्ग, तो तुम मजबूत बन जाओगे, मजबूत रहोगे। Nobody can harm you, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। The sons learned a lesson, और उसके पुत्रों ने एक पाठ सीखा। They decided, उन्होंने निश्चय किया, to live together, साथ साथ रहने का, and never quarrel, और कभी भी लड़ाई नहीं करने का। The old farmer and his sons were very happy, बूढ़ा किसान और उसके बेटे बहुत ही खुश थे। इससे हमको शिक्षा मिलती है, जो मॉरल है इसका, यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में ही शक्ति है।